Assalamu alaikum dear students, so this is basically interaction of paper second of CTS phase third in which today in physics we are going to discuss chapters uh, like work power energy, rotational motion, COM and occlusions and in this interaction not only I will discuss uh, that how these questions uh, uh, can be done in entrance but also uh, we will uh, try to uh, revise all those concepts uh, which are uh, very important uh, for your uh, final uh, that is neat. Through these questions. So, question number first is: When a long spring is stretched by two centimeter, its potential energy is U. If the spring is stretched by ten centimeter, uh, the potential energy stored in it will be. So, very simple. That you know that uh, that potential energy in a stretched st uh, spring is given by the formula half of kx square. This is the formula by which you can calculate. एनर्जी स्टोर इन ए स्ट्रचर्ड स्प्रिंग तो इनिशियली आपने इसको स्ट्रेच किया बाय दो सेंटीमीटर तो मैं लिखूंगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू दिया गया आपको और इट इज हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर सो हाफ ऑफ टू स्क्वायर एंड देन हमसे पूछा जा रहा है इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रक्चर बाई टेन सेंटीमीटर इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी लेट द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बी यू डैश एंड इट्स गिवन बाई दार्मूला दियर फॉर हाफ ऑफ के एक्स स्क्र मीन्स फाइनली इट इज टेन स्क्वेर ठीक है तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो इसमें से जो है आपका हाफ ऑफ के हाफ ऑफ के जो है वो कट जाएगा तो यू आर लेफ्ट विद यू बाई इज इक्वल दिस इज 4 एंड टेन 10 टू टेन इट इस्ड इट इज फोर ट्वेंटी 100 सो uh, so u डैश इज फाइनलीक्वल ट्वेंटी 25 U should be the answer of this question. 25 U should be the right answer for this question. So this is the first option here. Question number next is a mass of 0 0.5 kg. So this is a mass of 0 0.5 kg. A mass of 0 0.5 kg is moving with a speed of 1.5 meter per second. So its speed is given It is 1.5 meter per second. Then. ऑन ए हॉरिजेंटल स्मूथ सर्फेस तो फ्रिक्शन है नहीं कोलाइड्स विद ए नियरली वेटलेस स्प्रिंग आप स्प्रिंग कन्स्टेंट के उसका स्प्रिंग कन्स्टेंट आपका दिया गया है दैट्स फिफ्टी न्यूटन बाई मीटर हमें बोलना है था मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग वुड भी तो अगर ये चूंकि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं कि स्मूथ सरफेस पे बॉडी मूव कर रहा है तो आपको बोलना है कि जब ये बॉडी इसके साथ कोलाइड करेगा तो इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा तो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा एज पर दैट जो इसका इनिशियल एनर्जी था दैट इसटिक और वो फाइनली यहाँ पे स्टोर हो जाएगा मैक्सिमम कंप्रेशन मीन्स फाइनली जो है मैक्सिमम uh, कंप्रेस हो जाएगा जब मैक्सिमम कंप्रेस होगा तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा तो बाय द लॉजिक दैट हाफ ऑफ एम वी जो बॉल का काइनेटिक एनर्जी है वो होना चाहिए बराबर पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी इन द कंप्रेसड स्प्रिंग दैट हाफ ऑफ के एक्स स्क्र देखिए हाफ ऑफ यहाँ से कैंसिल आउट होगा हमें एक्स स्क्वायर मिला यहाँ पे इट इज एम बाई के इनटू वी स्क्वायर तो एक्स किसके बराबर है इट इज रूट ऑफ एम बाई के मल्टीप्लाइड बाय वी देयरफॉर एक्स इज इक्वल रूट ऑफ एम एम दिया है आपको 0.5 उसका के जो है स्प्रिंग का दिया गया है आपका 50 मल्टीप्लाइड बाई जो आपका वी है दैट इज वन ठीक है 1.5 तो यहाँ पे आप देख लीजिए इट इज अगर मैं ये पॉइंट यहाँ लूँ तो ये 500 बनेगा तो 5 डिवाइड बाई 500 5 डिवाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई आपका जो है इट इज़ 1.5 पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई आपका 1.5 तो 5 बाई फाइव होता है 1 बाई हंड्रेड वन बाई हंड्रेड का रूट होता है 10 तो x आ जाएगा आपका 1.5 डिवाइडेड बाय 10 तो इट शुड बी 0.15 पॉइंट मीटर्स में क्योंकि आपका सिस्टम जो है ना मीटर्स में लिया गया तो 0.15 सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज़ तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इज लाइक दिस वर्टिकल स्प्रिंग विद फोर्स कांस्टेंट के इज फिक्स्ड ऑन अ टेबल तो मान लीजिए आपका टेबल है दिस इज योर टेबल हियर तो ये टेबल है आपने इस पे एक स्प्रिंग को फिक्स किया है सो दिस इज अ स्प्रिंग लाइक दिस इट इज फिक्स्ड हियर एंड अ बॉल ऑफ मास एट द द हाइट फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग तो ये फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग है और फिर आपने एक बॉल ली है जिसको आपने एक हाइट से ड्रॉप किया है तो दिस अ बॉल हियर आप सब मांस और आपने इसको किस किसी हाइट से जो है ड्रॉप किया तो uh, लिखा है बॉल ऑफ मास एम एट द हाइट एच अबो द फ्री एंड फ्री अपर एंड ऑफ द स्प्रिंग फॉल्स वर्टिकली ऑन द स्प्रिंग सो दैट द स्प्रिंग इज कम्प्रेस्ड बाई डिस्टेंस डी देन नेट वर्क डन इन द प्रोसेस तो जैसे इस पर बॉल गिरी तो मान लीजिए ये नीचे चला गया इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट डी दिखाया है क्योंकि एज पर द ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका कंप्रेशन दिखाया गया है डी तो फाइनली स्प्रिंग जो है यहाँ तक कंप्रेस हुई तो हमें बोलना है इसमें वर्क डन कितना हुआ तो हमें बोलना है इसमें वर्क डन कितना हुआ तो एक बॉल है पहले एक स्प्रिंग है आपके आपके पास जिसको आपने एक टेबल पे फिक्स किया है दूसरा अपर एंड आपके, आपके जो है उस पर उससे एट ए हाइट एच आपके पास एक बॉल है जिसका मास महासाइं आपने ड्रॉप किया जब ड्रॉप किया तो फ्री एंड जो है वो कंप्रेस होकर स्प्रिंग यहां चला गया बाई डिस्टेंस डी आपको बोला गया है कि वर्क डन कितना हुआ द नेट वर्क डन इन द प्रोसेस इस प्रोसेस में नेट वर्क डन कितना हुआ चलिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले ये है ये वर्क एनर्जी थॉर्म का कंसेप्ट है कि इसमें चूंकि फ्रिक्शनल फोर्सेज नहीं है एजेंट कुछ नहीं है क्योंकि आपने बॉडी को रिलीज किया तो एजेंट गायब हो गया इसमें जो है लॉसेज नहीं है फ्रिक्शनल फोर्सेज है नहीं तो आप इसमें यूज कर सकते हो क्योंकि इसमें सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज इन्वॉल्व

ये हो गया माइनस हाफ ऑफ के डी स्क्र अब आप देख लीजिए यहाँ पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज यहाँ पे कॉमन चीज़ें जो है एम जी बाहर आ जाएगा एम जी बाहर आएगा तो ये बनेगा एच प्लस डी एंड देन माइनस हाफ ऑफ के डी स्क्वायर शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व या न्यूमेरिकल लाइक दिस तो ये इसका अप्रोच होना चाहिए so H D, H D so right तो ऑप्शन इज एम जी एच प्लस डी एम जी एच प्लस डी माइनस हाफ ऑफ के डी स्क्वायर सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसमें पूरा कंसेप्ट ही मैंने आपको पढ़ा दिया तो so वही हमारा अप्रोच भी होना चाहिए कि आपको कंसेप्ट लगा के दिखाएं सो दैट आप फाइनल एंट्रेंस के लिए तैयारी करो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है एंड इंजन पंप पंप वाटर थ्रू अ होज तो एक पाइप से होज मतलब होता है पाइप तो एक इंजन जो है कंटिन्यूसली से वाटर को पंप कर रहा है वाटर लीव द हो वेलोसिटी जब वाटर यहां से लीव करता है उसका वेलोसिटी वी है एंड एम इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर तो एम जो है वो है मास पर यूनिट लेंथ तो एम के लिए यहां पे देख लीजिए आप एम लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन में मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम है एम इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर जेट वॉट इज द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इंपॉर्टेंट टू द वॉर तो काइनेटिक एनर्जी जिसने पढ़ा नहीं वो लिखता है काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी तो उड़ा के रख देता है और फिर बोलता है कि गलत है बट आंसर ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ले रहा हूं हाफ आप कैपिटल एम वी स्क्वायर कैपिटल एम इसलिए क्योंकि इसमें स्मॉल एम यूज कर दिया गया है मास्क पोनेट लेंगे दैट इज वाई मैंने कैपिटल एम से लिख दिया काइनेटिक एनर्जी ये है बट वो काइनेटिक एनर्जी नहीं वो रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं तो रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो गया विद रिस्पेक्ट टू डी एंड इट इज डी बाई डी टी ऑफ इट इज हा हा इट इज हाफ ऑफ इट इज एम मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर तो रेट ही मुझे निकालना है तो इट इज़ इक्वल देख लीजिए वन बाई टू वी स्क्वायर इसमें कंस्टेंट है तो अब अब आपका डी एम बाई डी टी जो है डी एम बाई डी टी जो है डी एम बाई डी टी जो है

राइट आंसर right होना चाहिए सो ऑप्शन नंबर फोर तो बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछ रहा है वो रेट पूछ रहा है तो इसलिए मैंने इसको जो है डिफरेंशियट किया विद रिस्पेक्ट टाइम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड इज गिवन बाय दिस तो पोटेंशियल एनर्जी दिया है वाई ए एंड बी आर कांस्टेंट्स पॉजिटिव कांस्टेंट आर द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डिस्टेंस तो ये क्वेश्चन जो है ये हर एक मॉड्यूल हर एक टेस्ट uh, में आपको मिलेगा कि आपको जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए

और को ऊपर लीजिए विद नेगेटिव साइन तो माइनस टू ऊपर जाएगा इससे आपका डिफ्रेंसीशन बच जाएगा टू ए और नीचे पावर को ऐड करिए तो तरीका वरना आप लंबा मेथड भी यूज़ कर सकते हो तरीका ये है इस पावर को ऊपर लीजिए जब आपने पावर को ऊपर लिया विद नेगेटिव साइन तो माइनस और नीचे ऐड कर दीजिए इसी तरह इस पर पावर वन है ऊपर लीजिए तो माइनस और माइनस प्लस वन हो जाएगा तो प्लस हो गया बी डिवाइडेड बाई पावर बढ़ा दीजिए दैट इज़ आर स्क्वायर इज ईक्ल्ड जीरो अब आप अरेंज करिए इसको अब आप अरेंज करिए इसको तो यह आ जाएगा माइनस टू ए डिवाइडेड बाई आर क्यूब इज़ इक्वल माइनस बी बाई आर

इन काइनेटिक एनर्जी हम यूज कर सकते हैं इसमें तो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एज पर वर्क एनर्जी था वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो मैं लिख सकता हूं दैट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज दो ये स्टेटमेंट है आपका वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ज तो ये आपका स्टेटमेंट होता है वर्क एनर्जी का इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सो पे आपका फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स है इसीलिए मैंने वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्वेटिव होता तो मैंने स्प्रिंग सिस्टम में दिखाया कैसे किया जाता है तो यहाँ पे अब फोर्स वेरिएबल है क्योंकि इट इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन निकालने का तरीका होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स रिटार्डिंग वर्क वेलोसिटी के अपोजिट है नेगेटिव वर्क हो रहा है तो यहां पे माइनस क्योंकि वेलोसिटी आगे फोर्स पीछे तो एफ डी एक्स क्यों निकाला आपने ऐसे क्यों निकाला क्योंकि फोर्स फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन से वर्क कैलकुलेट किया जाता है इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप देख लीजिए आप यहाँ पे आप f का वैल्यू ड्रॉप करिए दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट वन एक्स डी एक्स और x की लिमिट्स भी प्रोवाइडेड है आपका इनिशियल है ट्वेंटी फाइनल है थर्टी इज इक्वल फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है हमें निकालना है और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है चूँकि मास दिया और स्पीड दिया है तो इनिशियली हो गया हाफ ऑफ मास है टेन और उसका इनिशियल स्पीड हो गया टेन का स्क्वायर ये हो गया टू फाइव या टेन और ये आप सॉल्व uh, कर सकते हो यहाँ पे तो मैं अगर यहाँ पे सॉल्व करूँ इसको तो ये आ जाएगा माइनस हाँ जीरो पॉइंट वन बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से

हो सकता है एंड प्रिपेयर इट फॉर योर फाइनल एग्जाम दैट इज नीट एज वेल नाउ अ स्मॉल ब्लॉक इज शॉर्ट इन ईच ऑफ द फोर ट्रैक्स आई शोन ब्लो ईच ऑफ द ट्रैक्स राइज इज टू द सेम हाई द स्पीड विद विच द ब्लॉक एंटर्स द ट्रैक इज द सेम इन ऑल केसेज तो हर ट्रैक में आपने इसको एक ही स्पीड से फायर किया है एट द हाइस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैक द नॉर्मल रिएक्शन इज मैक्सिम इन किस ट्रैक में नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम होगा तो आपको पता होना चाहिए इस केस में जब आपका ऐसा ट्रैक हो तो जब व्हीकल यहां पे आ जाएगा टॉप पोजीशन पे जब व्हीकल आ जाएगा तो उसकी स्पीड कुछ भी है हर ट्रैक में यहां पे भी टॉप पोजीशन पे आएगा यहां पे भी यहां पे भी यहां पे भी तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि वेट यहां पे डाउनवर्ड है एम और नॉर्मल रिएक्शन भी नीचे की तरफ है और ये दोनों मिला के n प्लस एम ही आपका जो है सेंटरपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा क्योंकि सर्कुलर ट्रैक में जो है सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए दैट इज mv2 r अब आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो ये हो गया mv2 r माइनस एम जी क्योंकि माइनस यहां जाएगा तो यहां डिपेंडेंसी क्लियर है कि नॉर्मल रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कर्वेचर तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है तो हमें देखना है कि किस ट्रैक में रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम है उस केस में नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा तो आप देख लीजिए ये अगर आप अगर आप ये देखेंगे ये ट्रैक का कर्वेचर है मैं हाथ से बना रहा हूँ सो दिस इज द कर्वेचर लाइक दिस तो अगर आप ऐसे बनाएंगे तो कर्वेचर कम है बट तो जैसे जैसे आप इसको जो है ना कर्ल करेंगे ना फिंगर्स को तो वैसे वैसे यहां पे आपको कर्वेचर कम दिखेगा तो इन ट्रैक्स

आप, आपके पास आया अब मान लो आप अब मान लो आप, आप, मालो आप। बॉडी जो है आपको इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है इंस्टेंटेनियस पावर के लिए यहां पे आपने जब बॉडी को पकड़ लिया तो उसकी स्पीड मान लीजिए कुछ वी है तो यहां पे हम इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे वी विल कैलकुलेट द इंस्टेंटेन पावर हियर एंड दैट इज ऑलवेज फोर्स इनटू वेलोसिटी दैट इज ऑलवेज फोर्स इंटू वेटी तो मुझे फोर्स पता करना है वेलासटी तो ये वेलासिटी पहले पता करेंगे हमलासिटी कैसे पता चलेगा अगेन यूजिंग द्वेशन वी इज इक्वल टू तो इस पॉइंट पर जो वेलासिटी वी वे है इनिशियल वेलासिटी तो जीरो है इज इक्वल्ड इट इज a मैंने कैलकुलेट करके रखा है a

फॉर दिस क्वेश्चन तो ये आ गया आपका एम वी वन स्क्र बाई टी वन स्क्टू टीय बाई टी वन स्क्टू टी ऑप्शन सेकंड तो इसमें जो है ना एक दो बार आपको इक्वेशन यूज करनी है पहले आपने इनिशियल से फाइनल के लिए खींच लिया वहां से एक्सोलेशन आ गई फिर इंस्टेंटेनियस के लिए कोई किसी बीच वाली पोजिशन पकड़ लिया जब वेलोसिटी वी टाइम टी है यूजिंग द इक्वेशन तो उस पॉइंट की वेलोसिटी निकाली क्योंकि इंस्टेंटेनियस पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी जब वो वेलोसिटी आई फोर्स होता है मास इंटक्शन एक्सोलेशन का इंतजाम पहले ही किया है वेलोसिटी मल्टीप्लाई करके आपका पावर जो है आ जाएगा उसके बाद क्वेश्चन

होती है एक सेंटर और दूसरा टेंजेंशियल तो सेंटर पिटल आपका आ जाएगा वी स्क्र बाय आर आपने पढ़ा होना चाहिए वी स्क्र हो गया इसका नाइन टी रेज फॉर फोर डिवाइडेड बाय आर दैट इज ट्वेंटी ये हो गया नाइन टाइम टू सेकेंड है तो ये टू रेस पावर फोर डिवाइडेड बाय ट्वेंटी ये हो गया नाइन इंटू डिवाइडेड बाई ट्वेंटी ये हो गया टू एट जिक्सटीन नाइन एट जिक्सटी सेवेंटी टू डिवाइड बाई टेन इज सेवन मीटर बाई सेकेंड स्क्र तो ये हो गया आपका सेंटरपिटल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल हो गया dv वी बाई क्योंकि दोनों एक्सोलेशन प्रेजेंट है तो आप इसकी और एक डिफरेंशिएशन आएगी दैट इज 60 t ड्रॉप करिए दैट इज 2 ये हो गया 12 मीटर बाई सेकेंड स्क्र तो दो एक्सोलेशन जब है तो रिजल्टेंट एक्सोलेशन जो है आपका वो होता है रूट ऑफ दैट सेंट्रपिटल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर तो आंसर होना चाहिए 7.2 का स्क्वायर देन प्लस ट्वेल्व का स्क्वायर ये है आंसर बट एंट्रेंस में आप जानते हैं ना कैलकुलेटर अलाउड नहीं है यहां बच्चा फंस गया के, सर आप कैसे करेंगे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो रूट आप सेवन पॉइंट टू का स्क्वायर प्लस ट्वेल्व स्क्र तो फंस गया यहां ऑप्शन जो है आपके सामने है और बच्चा जो है यहां इधर इद, तक पहुंच के वो छोड़ देता है तो यहां पर मैथमेटिक्स काम करता है आपको पता होना चाहिए ट्वेल्व स्क्यर प्लस फाइव होता है थर्टीन

13 से ज्यादा आंसर 14 मीटर बाई द राइट आंसर अ ब्लॉक ऑफ मास 2 केजी इज फ्री टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस इट इज एट रेस्ट तो इनिशियली रेस्ट पे एट टाइम 0 तो यहां पे ये रेस्ट पे है उसके बाद जो है इस टू अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन फिर इस पे टाइम डिपेंडेंट टू फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम हियर द फोर्स वेरीज विद टी एशन द फिगर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट 4.5 सेकंड्स तो यहां पे मुझे इसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है 4.5 सेकंड्स पे मुझे इसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो आपको पहली फुर्सत में ये पता होना चाहिए दैट फोर्स टाइम ग्राफ

base that is 4 by थ्री इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा यहां परपेंडिकुलर जो मुझे P चाहिए डिवाइडेड बाई बेस इट इज़ वन पॉइंट फाइव तो P जो है यह आ जाएगा ऊपर फोर इंटू वन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई थ्री तो थ्री फाइव ऑफ फिफ्टीन तो पॉइंट फाइव एंड फोर पॉइंट फाइव होता है टू तो P जो है आपका आपने यहां टू निकाल दिया तो यही मुझे चाहिए था परपेंडिकुलर यहां पे टू है देन इज इक्वल चेंज इन मोमेंटम चेंज इज़ ऑलवेज फाइनल मोमेंटम दैट्स मास इंटू वेलास्टी माइनस इनिशियल मोमेंटम चूँकि इनिशियली रेस्क पे है तो इनिशियल मोमेंट अब इसका डेफिनेटली जीरो होगा तो ये हो गया 22 two, यहाँ पे 4 एंड 22 यहाँ कट गया तो ये हो गया 6 माइनस 1.4 इस 4.5 इज इक्वल टू मास इस बॉडी का जो है वो 2 है और वेलोसिटी आ जाएगी तो ये हो गया 4 uh, 45 डिवाइड्ड बाय 20 इज इक्वल वेलोसिटी एंड इट इज इट इज इट इज 5 जो है

रोस इज द राइट आंसर 5.06 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए एरिया पहले वेलोसिटी निकाला वेलोसिटी से आपका जो है काइनेटिक एनर्जी फाइनल आया उसके बाद टू कार आर मूविंग इन सेम टाइम जो इनवाल्व है वो सेम है तो आपको सेंट्रपिटल एक्सेलरेशन का पता होना चाहिए इट्स ओमेगा होता है टू पाई बाई टी जब टाइम पीरियड सेम है जब टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा सेम है और जब ओमेगा सेम है तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है तो यहां पर सेंट्रपिटल एक्सोलूशन का दैट ए वन ए टू का रेशो जो है वो आर वन बाई आर टू के बराबर होना चाहिए सो आर वन बाई आर टू शुड बी द राइट आंसर सो ऑप्शन नंबर थर्ड तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला उसने चेक की कि ओमेगा टाइम पीरियड सेम दे के ओमेगा सेम कर दिया सेंटर पीरियड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर तो ए वन बाई शुड बी आर वन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज ए फोर्स लाइक दिस तो ये बिल्कुल एक आई आई टी का क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे हर मॉड्यूल हर टेस्ट सीरीज में मिलेगा आपको ए फोर्स एफ इज इक्वल तो आपको एक फोर्स दिया है एफ और वो फोर्स ऐसा है दैट इज के और फिर जो है इट इज वाई आई कैप यही इसमें प्रॉब्लम है प्लस एक्स जे कैप क्योंकि बच्चा जो है वो ये बिलीव करता है एक्स के साथ आई होगा और वाई के साथ जे होगा बट यहां बदल दिया उसने तो ये एक फोर्स है जो फोर्स ऑफ फंक्शन डिस्प्लेसमेंट है तो इससे हमें पता चला वर्क हम कैसे निकाल सकते हैं वर्क इज पॉजिटिव कंस्टेंट एक्स ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्जन द पार्टिकल इज टेकन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू द पॉइंट दिस एंड देन एंडल टू द वाई एक्सिस टू द पॉइंट दिस द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स हमें वर्क डन निकालना है क्योंकि फोर्स इज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ इट इज एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई डी वाई इज द फार्मूला एफ वाई डी वाई तो यहाँ पे हम पहले फोर्स ड्रॉप करेंगे इट्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स क्योंकि i कैप के साथ है वो एफ ऑफ एक्स है तो वो हो गया k वाई के वाई इट इज डी एक्स प्लस ये हो गया Y में जो है के साथ है, तो दैट तो इज बच्चा छोड़ देता है अब यहां कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए, आपका अच्छा होना चाहिए आपको पता होना चाहिए बच्चे कि हमें पता है, uh, of, XY होता है बराबर एक्स ऑफ डी वाई प्लस वाई ऑफ डी एक्स ये हम आपको क्लास अलेवें इंटीग्रेशन में पढ़ाते हैं तो ये एक्स ऑफ डी वाई देख लीजिए आप पहले का के जो है बाहर निकालिए इसमें से के इज अ पॉजिटिव कंस्टेंट तो आपका इंटीग्रेशन रिड्यूस होकर बना वाई डी एक्स प्लस हाँ बच्चे वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई तो एक, के को आप छोड़ दीजिए देख लीजिए इट्स वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई तो ये होता है दैट डी ऑफ एक्स वाई तो मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू इज इक्वल कॉल्ड के इट्स इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स वाई क्योंकि डी ऑफ एक्स वाई खुद होता है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स तो ये वाई तो एक्स डी वाई एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स डी ऑफ एक्स होता है

ऊपर हो गया ए और ए माइनस जीरो जीरो डॉट जीरो वर्क डन होना चाहिए आपका इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वेरी क्वेश्चन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ये आईआईटी में बहुत पहले पूछा गया बट आप हर आपको हर मॉड्यूल हर टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन मिलेगा एंड इज एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि यहां पे बच्चा जो है अगर ये स्टेप्स नहीं जानता है, तो इस क्वेश्चन को करना मुश्किल हो जाता है उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है बुलेट इज फायर फ्रॉम अगर आपके पास इज गन एंड दिस इज एंड दिस इज ठीक है तो बुलेट जो है जब आगे निकलती है जब बुलेट आगे जाती है तो आपने देखा होगा गन रिकॉयल वापस करता है इसको हम रिकॉयलिंग ऑफ द गन कहते हैं

टू कंजर्व दट लाफ कंशन इनशियल मोमेंटमलटम शुड भी जीरो जब बुलेट आगे मोमेंटमलटम भी जीरो आता है तो गन का होना चाहिए पहले फॉर्मूला पता होनी चाहिए

ऊपर की तरफ है

एक चेन को प्लेस कर दिया है उसका एल बाई पार्टिंग है अगर एल बाई सिमर दैट मास भी हमें बोल रहा है कि हमें कितना वर्क करना पड़ेगा

वर्क डन बाय एजेंट हो गया बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखिए माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी उससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा अगर मैं चाहता तो मैं सीधे यही दिखा सकता था वर्क डन इज इक्वल दिस बट उससे आपका concept, जो है मेचोर नहीं होता फॉर योर फाइनल एंट्रेंस एंड वी आर वर्किंग फॉर दैट कि आपको फाइनल एंट्रेंस दैट इज वाई दिस इंट्रेक्शन आर मेंट फॉर ये यह हम इसलिए आपको दे रहे हैं कि आपको जो है कुछ कंसेप्ट है क्लियर हो जाए सो दैट आप फाइनल नीट में अच्छा कर सको तो वर्क डन बाय एजेंट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अब आप, आप देख लीजिए एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा तो वर्क डन बाय एजेंट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आप टेबल को ही रेफरेंस मान लीजिए क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मतलब रेफरेंस टेबल पे आपने फाइनली सारा जो है आ, समेट लिया सारी चेन आ गई तो फाइनली उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी टेबल से जितना नीचे उसका नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी हो गया तो माइनस आ गया कितना मास है बराबर एम बाई सिक्स एम जी हो गया ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट हाइट होना चाहिए यहाँ पे यहाँ बच्चा अगर एल एल बाई सिक्स लिखे तो बिल्कुल गलत है तो इसका अपना सेंटर ऑफ मास होता है और सेंटर ऑफ मास कितना नीचे है वो होगा इसका आधा दैट इज एल बाई सिक्स का आधा दैट इज एल बाई ट्वेल्व तो अब आप देख लीजिए माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस वर्क डन एजेंट हो गया बराबर एम जी एल बाई टी एल बाई सेवेंटी टू शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वर्क डन बाई एजेंट हियर इज एम जी एल बाई सेवनटी टू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही बट जो इसमें मैंने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन

और उसका डिस्टेंस जो है वो है सेवेंटी मीटर हमें हमें निकालना है डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ 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 सेंटर सेंटर मास मास फ्रॉम से हमेंटी डिवाइडेड बाई तीनों का समी हंड्रेड प्लस फाइव हंड्रेड प्लस फोर हंड्रेड अब आप देख लीजिए ये हो गया जीरो छोड़ दीजिए पहली में आप ये देख लीजिए जो है 100, 100, 100, सब मैं मैं काट दूंगा तो हम इसमें करते हैं कामन आएगा नीचे 100, 100 और 100 जो है का आएगा, अभी हुआ इट इस्ड इट गया बराबर ये, 28, uh, 28 zero, और ये हो गया नाइन और टेन इट्स ट्वेल्व तो ये हो गया फोर हंड्रेड एटी फोर हंड्रेड एटी डिवाइड बाई ट्वेल्व फोर् जो है फोर्टी एट जीरो इट इज़ फोर्टी सेंटीमीटर शुड बी द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए तो फोर्टी सेंटीमीटर से इस सिस्टम का

K2 is 3000 और K1 जो है आपका that is 1500 तो 0 0 कट जाएगा 15 to 30 so 2 by 1 should be the right answer of this question 2 by 1 is the right answer of this question question का जो है answer जो है 2 by 1 very important question क्योंकि इसमें आपने थोड़ा सा uh, formula को modify किया as per your need क्या आपने force में equation को लाके जो है इसको solve किया question number next is ब्रेकिंग टेंशन ऑफ स्ट्रिंग न्यूटन पार्टिकल आपके पास एक है और आपने हो गया तो ब्रेकिंग टेंशन दिया गया है टेन न्यूटन अभी तक का जो क्वेश्चन में डाटा है तो इसका रेडियस भी दिया गया है इट इज 0.5 फाइव मीटर फिर क्या बोला गया है मैक्सिमम स्पीड विधविच दार्टिकल कैन बी रोटेट विदाउट

दिया गया है आपको आपको क्या निकालना है इसमें मैक्सिमम स्पीड वो निकालेंगे हम मास दिया गया है आपको ऑब्जेक्ट का मास दिया गया है हैपैटिक एंड ऑब्जेक्ट इज टाइड टू 0.1 वी स्क्वायर ही हमें निकालना है और आर दिया है 0.5 पॉइंट पॉइंट निकाल दो ये हो गया 50 तो वी स्क्वायर हो गया 50 जब v² 50 हो गया तो v हो गया √50 मीटर ंडट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन तो इसमें जब भी ऐसा फ्रेम आए तो आप जो है उसी सेंटर पर बैठ के उसको सीडो फोर से यूज करके वो टेंशन को बैलेंस करेगा ब्रेकिंग टेंशन को और आपका न्यूमैरिकल जो है जल्दी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज

अगर ये थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर आएगा तो उसकी और एक फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा उससे क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा तो लेंथ छोटा देने का मतलब इन कंपेरिजन टू हाइट वो कहना चाहता है जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो सिर्फ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी उसमें ग्रेविटेशन का कोई दखल होगा नहीं तो हमें यही निकालना है वैन इट रीचेज द बॉटम इट प्रेस द स्प्रिंग बाय लेंथ और वही हमें वो कंप्रेस्ड uh, लेंथ निकालना है स्प्रिंग का हमें कंप्रेस्ड लेंथ निकालना है कि वो कितना कंप्रेस हुआ तो इस क्वेश्चन में जो है इस क्वेश्चन में जो है आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाईजिंग लाफ कंजर्वेशन एनर्जी क्योंकि और इसको हिट कर दिया तो मैं लिखूंगा इनिशियल इनशियल पोटेंशियल एनर्जीटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जीटिकनर्जी ब्लॉक रेस्ट पे था तो जीरो था फाइनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली एमजीशन ड्यू टू ग्रेविटी थाइनेटिक एनर्जी जब फुलप्रेस हुआ तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है ये कंप्रेसर स्प्रिंग है और कंप्रेसर स्प्रिंग का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया हाफ ऑफ के एक्सर अब अब अगर यहां हाइट रहती एल इज़ लेस लेस देन एच अगर ये नहीं दिया गया होता तो सुप्रिंग की कुछ हाइट होती और हमें वो भी ले लेके चलना था उससे ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता तो यहां पे जो है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ज़ीरो होगा अब आप खुद देख लीजिए अब आप जो है अब आप आराम से निकाल सकते हो टू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह बनेगा टू एम जी एच इज इक्वल इज एकवल्ड के भी नीचे आएगा एक्स स्क्वायर और एक्स किसके बराबर आएगा रूट ऑफ टू एम जी एच डिवाइडेड बाई के शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो रूट ऑफ टू एम जी एच बाई के इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लाफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसलिए यूज किया क्योंकि इसमें कोई फ्रिक्शनल फोर्सेज नहीं है कोई एजेंट नहीं है तब हमारे पास लाफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेल एनर्जी है इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम शुड बी गोल्ड फाइनल और इसमें एल लेस लेस देन एच का मतलब होता है कि ग्राउंड से इसकी कोई हाइट नहीं पोटेंशियल एनर्जी नहीं है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज टू पार्टिकल्स पी एंड क्यू आर 10 मीटर अपार्ट एंड एट अर्टन इज़ 8 मीटर पर सेकंड तो पी की 8 मीटर पर सेकेंड है मेकिंग 30 डिग्री एंगल दिया गया with P पी एंड एंड क्यू इज मूविंग 6 मीटर पर सेकंड एट एंगल ऑफ़ 30 डिग्री वो भी दिया है, P है P Q, तो हम एंगर वेलॉस्टी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंगुलर वेलास्टिया रेस्पेक्ट क्यों निकालना है तो क्यों पर बैठ के पी को देख लो इससे आप, आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा बट इसका एक तरीका है कि इसमें पहले वेलास्टी को रिजोल्व करो

अपोजिट डायरेक्शन की तरफ है यहां एड हो जाएगी तो नीचे एड हो जाएगी तो मैं तो अपोजिट डायरेक्शन तो में मतलब हो गया यहां की तरफ है आपको शिफ्ट करनी पड़ेगी बट उससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि इन क्वेश्चन में अगर आपको एंगुलर वेलॉसिटी निकालना होता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है और ये

एंगुलर वेलोसिटी में काम आ जाती है जो टेंजेंशियल वेलोसिटी हो क्योंकि जो एक्सिस से पास करती है ना वो एंगुलर वेलोसिटी में नहीं आता है टेंजेंशियल वेलोसिटी इसीलिए मैंने थ्री को यहां पे शिफ्ट कर दिया फोर प्लस थ्री हो गया सेवन और डिस्टेंस है टेन तो आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी बाय आर विल गिव द एंगुलर वेलोसिटी ये आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होना चाहिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज

फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं क्योंकि जब आप यहां बैठोगे रिलेटिव ऑब्जर्वेशन बेस्ड अगेन तो यहां पे जो है बाहर की तरफ जो है फोर्स फोर्स एक्ट करेगा दैट इज एम एम ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर आर आर या वी बाय दोनों आप लिख सकते हो और पीछे की तरफ जो फोर्स एक्ट करेगा दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स ऑन अ टर्न टेबल क्योंकि ये सॉलिड टर्न टेबल है और यहां पे फ्रिक्शनल तो फोर्स एक्ट करेगा तो यहां पे फोर्सेस तो फोर्स बैलेंस कर रहे हैं अगर इससे ज्यादा कम डिस्टेंस दोगे तो वो स्लिप करेगा इससे ज्यादा डिस्टेंस दोगे स्लिप करेगा 9 सेंटीमीटर रखने पे आपका फ्रिक्शनल फोर्स और सीडो फोर्स जो है वो बैलेंस कर रहा है फ द एंगर वेलॉसिटी ऑफ द टर्न टेबल ट्रिपल इट विल जस्ट स्लिप इफ द डिस्टेंस फ्रॉम देंटर इज अब आपने इसकी वेलासिटी जो है वो ट्रिपल कर दी तो तरीका यह है कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो यहां पर प्रोवाइडेड है वो एम ओमेगा स्क्यर आर के बराबर है तो अब मुझे बोलिया फ्रिक्शनल फोर्स चाहे आप क्वॉन यहां रखिए कि और डिस्टेंस पे जो हमें निकालना है तो फ्रिक्शनल फोर्स दोनों केसेस में बराबर है एम बराबर है तो यहां ओमेगा स्क्वायर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनट आर चाहे क्वॉइन को आप कहीं पर भी आप रखिए फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट मास इज इंडिपेंडेंट तो प्रोपोर्शन

देख लीजिए यहां तो डायमीटर से पास हो रहा है यहां डायमीटर से पास हो रहा है नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए इन दो का डायमीटर वाला है तो ये हो गया टू बाई फाइव टू बाई फाइव टू बाई फाइव एम आर स्क्र टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर बट या ऐसे दो स्पेयर है तो मल्टीप्लाइड बाई टू प्लस हो गया बच्चों प्लस हो गया अब देख लो जब ये एक्सीज यहां से पास होगी तो इसके लिए टेंजेंशियल होगा इस स्पेयर के लिए तो टेंजेंशियल का होता है सेवन बाई फाइव एम आर स्क्यर और नीचे वाले के लिए भी टेंजेंशियल होगा तो ये हो गया सेवन बाई फाइव एम आर स्क्वायर और मल्टीप्लाइड इस केस में भी टू तो ये होगा गया यहाँ पे फोर बाई फाइव एम आर स्क्वेयर प्लस हो गया ये इट इज टू सेवन फोरटीन बाई फाइव एम आर स्क ये हो गया एटीन बाई फाइव एम आर स्क्वायर बट आपका आंसर जो है ऐसा कुछ नहीं है

बहुत आसान क्वेश्चन है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आप आराम से कर सकते हो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज ये है फिर से एक आई का पुराना क्वेश्चन जो है अब नीट में बहुत बार जो है इसको पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है दैट वन क्वार्टर सेक्टर इज कट फ्रॉम यूनिफॉर्म डिस्क 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 ऑफ रेडियस तो आपके पास एक थी actually, आपके पास पास एक एक थी एक्चुअली डिस्क जो है उसका कुछ रेडियस आर है और आपने इसमें से आपने इसमें से वन क्वार्टर काट दिया तो जो है चौथा हिस्सा काट दिया है तो इसका एक फोर्थ uh, पार्ट जो है फोर्थ पार्ट जो है फोर्थ पार्ट जो है आपने इसमें से काट दिया है फोर्थ हिस्सा जो है तो मैं यहां से फिर से डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करता हूं बच्चे तो यहां पे देख लीजिए आप आपके पास एक्चुअली एक डिस्क थी आपके पास एक डिस्क थी इसका कुछ रेडियस आर था तो ये एक सॉलिड डिस्क थी अब आप क्वेश्चन में दिया गया है कि आपने इसका एक क्वार्टर काट दिया है वही क्वार्टर यहाँ दिखाया है दैट दिस इज द एक्सीज ये एक एक्सीज है जो परपेंडिकुलर टू द एक्चुअली डिस्क है और ये क्वार्टर इसने ऐसे दिखा दिया है तो क्वार्टर ऐसे दिखा दिया है उसका फिर मास uh, जो है वो एम दिया गया है तो क्वार्टर का मास जो है जो क्वार्टर हिस्सा है इसका उसका मास प्रोवाइडेड एम है इसका ख्याल रखिए इज रखिये

तो आप इसमें लिखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा एम आर पूरी डिस्क का मास मान लो 4 m होगा क्योंकि अगर चार हिसे के, के तो चौथे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो किसी भी बॉडी से सिमेट्रिकली कोई सेक्शन काटने से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रिजर्व रहता है तो आंसर जो है वन बाई टू एम आर स्क्त सिर्फ डिस नहीं रिंग के लिए नहीं हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू है उसके बाद जो है बॉटम इज दिस तो

वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और चूंकि एक डिसिक है सॉलिड नहीं सुफियर है तो ये होना चाहिए रूट ऑफ टू जी एच वन प्लस के स्क्र बाय आर स्क्वायर ये आपका सॉलिड स्पेयर है तो उसका टू बाई फाइव होता है के आपने पढ़ा होगा तो फाइव वन फाइव से वी वन हो गया बराबर रूट ऑफ टू जी एच डिवाइड बाई सेवन बाई फाइव ये आपको पता होना चाहिए और जब स्लिप करके आया जब स्लिप करके आया तो स्पीड सीधे होगी बराबर रूट ऑफ टू जी एच क्योंकि स्लिप करने के वक्त उसका स्पीड जो है आप सीधे इक्वेशन से निकाल सकते हो रूट ऑफ टू जी एच क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि दोनों का हाइट सेम है अब हमें वी वन और वी टू में रिलेशन निकालना है तो रूट ऑफ टू जी एच रूट ऑफ टू जी एच यहाँ कामन है तो हमें लग रहा है दैट वी वन इज वी टू डि

मास है बट आर स्क्र इज आर बाई टू क्योंकि रेडियस एम आर स्क्वेर है तो अपना हो गया यहां पे के हिसाब से निकालना तो हमें इस पे है रेड एक्सिस पे तो

फाइव इट इज एम इट इज आर स्क बाई फोर प्लस हो गया बराबर फोर एम आर स्कैयर थोड़ा मैथमेटिक्स मैं और कुछ नहीं फोर फोर कट जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन ट्वेंटी वन बाई फाइव एम आर स्क्र राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन तो यू शुड भी गुड इन परम तब जाके क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट जो है रफ हॉरजेंटल सरफेस विद क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन न्यू तो ये रफ हॉरिजेंटल सरफेस और क्वेश्चन ऑफ्रिक्शन न्यू है

ये आगे उठाना चाहता है कोई रोकने वाला है बिल्कुल वेट डाउनवर्ड्स फोर्स होता है एम जी और यहां की दूरी जो है वो एल बाई टू है क्योंकि एल बाई टू टोटल साइड एल है तो ये एल बाई टू हो गया अब आप देख लीजिए अबाउट द हिंजड पॉइंट अबाउट द हिंजड पॉइंट फोर्स ये है और डिस्टेंस ये है तो इसका जो टॉर्क है इसका टॉर्क जो है वो एंटी क्लाकवाइज है तो अब अगर इस ये ये जो है टॉपल आगे कराना चाहता है और ये पीछे रोकना चाहता है क्योंकि एम जी पीछे की तरफ है अगर आपको इसको टॉपल कराना है तो लिमिटिंग कंडीशन में हम लिखेंगे That torque provided by the force, torque provided by the force should be greater or equal to. टॉर्क प्रोवाइडेड बाय द वेट टॉर्क प्रोवाइडेड बाय द फोर्स हो गया बराबर फोर्स द दर्पर्टिकुलर डिस्टेंस दैट इज एफ इनटू एल शुड बी ग्रेटर आर इक्वल वेट का टॉर्क हो गया एम जी एल बाई टू एल एल निकल जाएगा तो एफ शुड बी ग्रेटर आर इक्वल्ट एम जी बाई टू लिमिटिंग केस में एम जी बाई टू होना चाहिए तो फोर्स शुड भी इक्वल्ट एम जी बाई टू ये लिमिटिंग केस में एम जी बाई टू के बराबर वेरी इंपॉर्टेंट ये क्लॉक वाइज टॉर्क है यह एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क है टॉपल कराना है तो कम से कम ये इसको बैलेंस करना चाहिए अदरवाइज अगर ये ज्यादा तो टॉपल कर ही जाएगा तो फोर्स

फोर्स इस पर ट्वेंटी न्यूटन का अप्लाई कर दिया गया ऑन द डिस्क अलॉन्ग इट्स रिम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट द नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाई द डिस्क इन टेन सेकेंड्स अगर ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो दस सेकंड में कितने रोटेशंस तो हमें नंबर ऑफ रोटेशन कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ रोटेशंस हमें दस सेकंड में कैलकुलेट करना है एंड लेट लेटस कंसिडर दियर नंबर इज एंड तो कैसे करेंगे सर तो मुझे आप बोलिए कि यहाँ पे जो है ये फोर्स को टॉर्क प्रोवाइड करेगा और टॉर्क होता है बराबर आई अल्फा तो टॉर्क होता है बराबर फोर्स इंटू फोर्स आरम फोर्स है ट्वेंटी एंड फोर्स आरम हो गया टेन डिवाइडेड बाई हंड्रेड क्योंकि सेंटीमीटर में है आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसने दे दिया आपको वन 2 पाई और अल्फा तो ये जीरो ये इसके साथ कटेगा ये जीरो इसके साथ कटेगा तो अल्फा आ गया आपके पास 4 पाई रेडियन बाई सेकंड स्क्वायर जैसे अल्फा आ गया तो थीटा हम लिख सकते हैं थीटा इज़ इक्वल ओमेगा नॉट प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर तो इनिशियली जो है इट इज़ ओमेगा नॉट टी तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी के रेस्ट से स्टार्ट किया है वो तो जीरो आएगा बट थीटा हम लेंगे आप टू पाई एन सर एन क्यों क्योंकि मैंने बोला कि नंबर ऑफ रोटेशन हमें निकालना है दस सेकंड में तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ रोटेशन मैंने एन से डिनोट किया तो इट इज़ टू पाई मल्टीप्लाइड बाई एन इज इक्वल हाफ ऑफ एल्फा टी उसके अब आप वैल्यूज ड्रॉप करिए और यह आ जाएगा आपका टू पाई जो है टू पाई जो है टू पाई इज इक्वल टू टू पाई इज इक्वल टू टू पाई एन इज इक्वल एक्चुअली इज इक्वल वन बाई टू एल्फा हो गया आपका टू पाई मल्टीप्लाइड बाई टेन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टेन स्क्वायर अब आप देख लीजिए आपका टू पाई टू पाई निकल जाएगा आपका टू पाई टू पाई निकल गया और फिर यहाँ पे जो है तो हाफ ऑफ इट इज़ एक्चुअली हाफ ऑफ अल्फा टू बाई टू बाई एन जो है आपका इट इज़ हंड्रेड बाई इट इज़ हंड्रेड बाई हंड्रेड बाई एन जो है आपका हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू सो इट शुड बी फिफ्टी शुड बी द आंसर तो हमने क्या किया इट इज़ टू पाई एन टू पाई एन टू पाई एन जो है आपको निकालना है और ये हो गया हाफ एल्फा अल्फा इज़ फोर पाई सॉरी बच्चे यहाँ पे फोर पाई है यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है तो इसको मैं थोड़ा ठीक करूंगा पहले या थोड़ी सी मिस्टेक है तो नंबर ऑफ रोटेशन में एन मानता हूँ वो आप याद रखिए और फिर यहाँ देख लीजिए ये हो गया टू पाई एन टू पाई एन हमें निकालना है इज इक्वल्ड हाफ ऑफ एल्फा आ गया है फोर पाई मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर एन स्क्वायर मीन टाइम तो टू टू सा हो गया फोर तो टू पाई टू पाई जो है निकल जाएगा एन इज इक्वल्ड हंड्रेड शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो ऑप्शन नंबर सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इन इन ए फिगर एज सिक्स सेंटीमीटर तो ए जो है रेडियस सिक्स सेंटीमीटर है बीज ट्वेंटी सेंटीमीटर जो रेडियस है वो ट्वेंटी सेंटीमीटर है इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थर्टी टू हंड्रेड के जी मीटर स्क्वायर दिया गया है इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन तो हमें अल्फा निकालना है और क्वेश्चन इज कैलकुलेट अल्फा तो अल्फा निकालने के लिए बच्चे आपको पता होना चाहिए अगर टेंजेंशियल टेंजेंशल फोर्सेज प्रोवाइडेड है तो टेंजेंशियल फोर्सेज में पहले इसको खत्म करिए ये आपको एंगल पर दिया गया है तो इसको रिजो करिए एक यहाँ से आएगा दैट इज़ टेन कॉस ऑफ थर्टी टेन कॉस ऑफ थर्टी होता है तो ये हो गया इट इज न्यूटन यहां से आएगा और दूसरा कंपोनेंट जो है वो यहां से आएगा जो फोर्स यहां से आएगा दैट विल नॉट प्रोवाइड एनी टॉर्क तो ये फोर्स किसी किसी लिए कोई टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगा तो इसको हम जो है एलिमिनेट करते हैं सिर्फ ये टॉर्क प्रोवाइड करेगा अब ये फोर्स यहां की तरफ ये फोर्स यहां की तरफ तो ये क्लॉक वाइज टॉर्क प्रोवाइड करेगा ये भी क्लॉक वाइज टॉर्क प्रोवाइड करेगा जबकि ये जो फोर्स है ये जो फोर्स यहां की तरफ है इसका फोर्स सारम यहां है तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड करेगा तो ये दो क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज तो टॉर्क हम सब जानते हैं i अल्फा के बराबर होता है अब दो क्लॉकवाइज टॉर्क है और एक एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज है 12 फोर्स इनटू फोर्स आर और डिस्टेंस uh, है बी क्योंकि आउटर स्फीयर का रेडियस हो गया बी तो इट इज 12 बी देन प्लस प्लस कैसे कर रहे हैं क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज करेगा इट इज 7 बी क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आउटर जो है इसकी बी है देन माइनस माइनस क्यों कर रहे हैं क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड करेगा माइनस इट इज 5 √ थ्री मल्टीप्लाइड जो है फाइव रूट थ्री मल्टीप्लाइड ए क्योंकि इसका रेडियस जो है आप देख लीजिए इस स्फीयर पे एक्ट कर रहा है या इस डिसिक पे एक्ट कर रहा है तो इसका रेडियस सिर्फ ए आएगा दिया गया है आपका थ्री टू डबल जीरो मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा हमें निकालना है तो ये हो गया नाइनटीन टाइम्स बी बी जो है आपको ट्वेंटी सेंटीमीटर दिया है तो ट्वेंटी डिवाइड बाई हंड्रेड माइनस फाइव रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाई ए आपको दिया है बच्चे सिक्स ए दिया है आपको सिक्स डिवाइडेड बाई हंड्रेड इज इक्वल थ्री टू डबल जीरो मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा तो ये जीरो इसके साथ निकल जाएगा तो ये हुआ थ्री पॉइंट एट थ्री पॉइंट एट माइनस ये आपका जो है यहाँ आप कैलकुलेशन थोड़ी कर करनी पड़ेगी आपको यू हैव टू कैलकुलेट द थिंग्स हेयर तो इट इज़ फाइव टूज आर टेन इट इज ट्वेंटी इट इज रूट थ्री इंटू सिक्स डिडेड बाई ट्वेंटी तो इट इज रूट थ्री इंटू सिक्स डिड बाई ट्वेंटी इज इक्वल इट इज थ्री टू डबल जीरो मल्टीप्लाइड बाई एल्फा तो आप जब आप थ्री पॉइंट एट में से ये माइनस करके डिवाइड बाई थर्टी टू लेंगे तो आपका एल्फा जो है अप्रोक्सीमेटली आता है टेन रेस्ट पावर माइनस थ्री रेडियन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आप ये कैलकुलेशन आराम से आप कर सकते हो इट इज थ्री पॉइंट एट माइनस दिस थिंग डिवाइडेड बाई थ्री टू डबल एल्फा विल कम आउट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें था कंसेप्ट एंड ऑप्शन नंबर थर्ड इज रेस थ्री रेडियन बाई द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इसमें है दो क्लॉक वाइज टॉर्क है टेंजेंशियल फोर्स टॉर्क प्रोवाइड करता है जबकि जो रेडियल फोर्स होता है वो टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर सकता क्लाक वाइज माइनस एंटी क्लाक वाइज इज इक्वल टू आई अल्फा से आप अल्फा आराम से निकाल सकते हो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज पार्टिकल थ्री एम प्रोजेक्ट फ्रॉम द्राउंडल रेंज इज आर जो इसका हॉजेंटल रेंज है वो आर है एंड एट दाइस्ट पॉइंट ऑफ इट पाथ इट ब्रेक्स इन टू टू पीसिस एम एंड एक तो एम में ब्रेक हुआ और दूसरा इसका तो में ब्रेक हुआ तो टूट तो

से निकालना है और वो एक्स दिया गया है हमें वो X बोलना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है सर कि ये डायग्राम प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है बच्चे एम और टू एम जब थ्री एम एक्ट एक्सप्लोड हुआ तो एक्सप्लोजन में जो है आपका जो है सेंटर ऑफ मास जो है वो अपने ऑरिजिनल पाथ पर चलेगा नो डाउट एम यहां गिरा टू एम आगे चलेगा उसकी थोड़ी जो है उसका जो प्रेजेक्ट्री थोड़ा बदल जाएगा वो यहां चलेगा बट सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज रिमेन हियर ऑन द ऑरिजनल पाथ तो सेंटर ऑफ मास यहीं पर चलेगा अब यहां से मान लो जो टू एम आगे चला गया मान लो वो एक्सडा

दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो फाइव बाई फोर आर फाइव बाई फोर आर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो यहाँ हमने प्रॉपर्टी यूज की कि सेंटर ऑफ मास् जो है वो अपनी पोजिशन पर मैंटेनड रहेगा तो यहाँ मास मल्टीप्लाइड बाई दिस डिस्टेंस मास मल्टीप्लाइड बाई दिस डिस्टेंस वहाँ से एक्सटैश आ गया बट ऑरिजिन से डिस्टेंस जो है वो एक्स है और वह है फाइव आर बाई फोर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अफॉर्म रॉड ऑफ मास टू जो है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास् टू के ट्वेंटी के जी एंड लेथ ऑफ वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट सिक्स मीटर्स फाइव एट्स एंड इट स्विंग्स फ्रीली इन दर्टिकअ प्लान एंगुलर एक्सलेन ऑफ रॉड

तो एम जी तो मैं पहले यहां लिखूं टॉर्क हो गया बराबर आई अल्फा टॉर्क हो गया बराबर एम जी एल बाई टू इज इक्वल्ड आई अबाउट n कर रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एम एल पता होना चाहिए क्योंकि सेंटर पे पे होता होता है पे square by होता है एंड मल्टीप्लाइड अल्फा चला जाएगा mm निकल जाएगा निकल इट तो एल्फा हो गया बराबर थ्री जी तो अब आप यहाँ देख लीजिए एल्फा हो गया बराबर बट ऐसा कोई आंसर नहीं है तो 15 za and 2 8 za so alpha should be equal 15 g by 8 should be the uh, 15 g by hmm, kya hua? 15 15 kuch wrong guys ये हो गया थ्री जी वन पॉइंट सिक्स हो गया ऊपर थर्टी थर्टी बाई सिक्सटीन और बट टू बी तो है हाँ टू बी तो है मैंने गलत कर दिया तो टू बी तो है बच्चे तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में तो बिल्कुल आपका अल्फ़ा जो है ये हो गया ये जो है वन पॉइंट सिक्स ऊपर जाएगा तो ये बनेगा थर्टी तो तो right जी डिवाइड बाई टू इंटू सिक्सटीन तो टू फाइ फिफ्टीन जिक्सटीन तो अल्फा शुड बी फिफ्टीन बाई सिक्सटीन जी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फिफ्टीन बाई सिक्सटीन जी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन

यूनिफॉर्म रॉड लेंथ एल तो एंड मास एम एंड टू आइडेंटिकल बीड्स ऑफ नैगलिटल मास यहाँ पे है ईच ऑफ मास दोनों का मास एम है तो फिर विच कैन स्लाइड फ्रीली अन द रॉड इनिशली द टू बीड्स आर सेंटर ऑफ द रॉड एंड द सिस्टम इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमगाना नॉट इनिशियल एंगुलर वेलासिटी सिस्टम का जो है वो ओमेगा नॉट है उसके बाद अबाउट एन एक्सीज परपंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू द सेंटर तो इस एक्सीज पे एगुलर ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है तो फिर थ्रू दिड पॉइंट ऑफ द रॉड सी फिगर दे आर नो एक्सटर्नल फोर्स कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं तो एंगुलर मोमेंटम कमजोर हो गया यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट

राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसकी बड़ी फ्रिक्वेंसी है आपके एग्जाम में आने की तो टेन रू टू आंसर, इनिशियल इनिशियली जीरो बड़े पार्ट ने रिक्वॉल कर दिया तो क्वेश्चन दो डिस्क है

काइनेटिक एनर्जी तो तरीका यह है कि चूंकि एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं है ये इंटरनली कोलेस हुए तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल फाइनल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इस डिसे का हो गया आई वन उस डिसे का हो गया आई टू इज इक्वल फाइनली कोलेस हुए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एड होंगे आई वन क्योंकि स्केलर है और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो गया ओमेगा तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो गया आई वन ओमेगा वन डिवाइडेड बाई आई वन जब एंगुलर वेलोसिटी आई तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आराम से आएगी दैट इज हाफ ऑफ आई आई इज आई वन प्लस आई टू क्योंकि कोलेस हुआ है सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर अब आप देख लीजिए ये हो गया वन बाई टू आई वन प्लस आई टू ओमेगा स्क्वायर मतलब इस होल चीज का स्क्वायर तो ये हो गया आई वन प्लस आई वन प्लस आई टू डिवाइडेड बाई आई प्लस आई का होल स्क्वायर जब स्क्वायर है तो पहली फुर्सत में आप एक आई वन ओमेगा वन आई वन दो ऊपर बचा आई ओमेगा वन प्लस आई वन ओमेगा टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आइस ऑफ आई वन आई वन प्लस आई टू क्योंकि एक ही कट गया है तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर जो है थर्ड इज द राइट आंसर आई वन ओमेगा वन आई वन ओमगा वन ऑप्शन थर्ड को देख लीजिए आप आई वन ओमेगा वन प्लस आई टू ओमेगा टू का होल स्क्वायर और टू आइस यहां बचा एक आई वन प्लस आई टू ऑप्शन नंबर थर्ड अगेन लाफ ऑफ मोमेंटम बेस्ड न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ये टाइप डिस्क ऑफ मास एम तो एक डिस्क है जिसका मास एम है एंड रेडियस आर रोल्स ऑन हॉर्जेंटल सर्फेस एंड रोल्स ऑफ इनकलाइन प्लेन द फिगर इफ द वेलोसिटी ऑफ द डिस्क इज वी अगर इसका वेलोसिटी वी है द हाइट टू व्हिच द डिस्क जो है किस हाइट तक चली गई तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको आप जैसे सॉल्व करोगे क्योंकि यह प्योर रोलिंग

टॉर्क हो गया फोर्स इंटू फोर्स आरम फोर्स आरम हो गया आर मैं रेडियस में लेता हूं कैलकुलेशन, क्योंकि कुछ कटेगा तो लास्ट में रेडियस ड्रॉप करेंगे तो ये रिंग हो गया तो फजूल में लंबा बना दिया आर आर एक कट जाएगा एल्फा हो गया एफ बाई एम आर अब आप आराम से कर सकते हो इसे कैलकुलेशन बच जाएगा सेंटीमीटर तो ये डिवाइड बाई हंड्रेड हो जाएगा टेन टेम्परेच पॉ माइनस टू और टेन रेस पावर माइनस टू जीरो जीरो कट जाएगा थ्री थ्री कट जाएगा और वो जो टेन रेस पावर माइनस टू है वही एक्चुअली ऊपर जाएगा तो अल्फा आ जाएगा हंड्रेड डिवाइड बाई फोर हंड्रेड डिवाइड बाई फोर हो गया पच्चीस रेडियन बाय सेकेंड सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द आंसर तो इसमें थोड़ा ज्यादा हमने टाइम इसलिए लगा दिया क्योंकि पहले हमने लंबा कैलकुलेशन किया था मैंने पहले आर काट दिया उससे आपका कैलकुलेशन जो है वो रिड्यूस हो गया उसके बाद जो है इन द अरेंजमेंट अरेजमेंट द फिगर एम ए एंड एम बी एम ए का मास दिया गया है आपको बच्चे एम ए का मास दिया गया है आपको टू के चीजी इसका मास दिया गया

इज थ्री मल्टीप्लाइड बाई जी तो जी बाई थ्री है अब बच्चा यहाँ जो है जल्दी रिएक्ट करना स्टार्ट करता बोलता है बोलता जी बाई थ्री आंसर है क्योंकि ये नीचे जाएगा जी बाई थ्री से तो ये ऊपर जाएगा जी बाई थ्री से बट वो हमेंटर ऑफ मास जी बाई थ्री बिल्कुल गलत नहीं करना सेकेंड ऑप्शन जो है आपका गलत है तो एक्सोलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम जानते हैं इट इज एम वन ए वन इट इज एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू वैक्टर इक्वेशन है ये डिवाइडेड बाई इट इज एम वन प्लस एम टू एम वन जो है आपका एम वन जो है आपका वो है टू के टू के जी और एक्सोलेशन उसका जो है मल्टीप्लाइड बाई जी बाई थ्री और फिर माइनस uh, अब uh, अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो मैं इसको माइनस ले रहा हूं वैक्टरली और ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका प्लस एम वन हो गया तो माइनस टू जी जी इट इज जी बाई नाइन और माइनस दिखा रहा है डाउनवर्ड तो आंसर शुड बी जी बाई नाइन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सोल्यूशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज आस्क्ड नॉट एक्सोल्यूशन ऑफ ब्लॉक्स बट पहले एक्सोल्यूशन ऑफ ब्लॉक्स निकालना पड़ता है तब सेंटर ऑफ मास का आएगा एट डिस्क ऑफ रेडियस टू मीटर

By by हो गया ये. और फिर आप जो है अब आप आराम से इसको सोलव कर सकते हैं तो यह हो गया पहले पचास पचास और फिर यह हो गया ट्वेंटी का स्क्र थ्री बाई टू तो यहां जो है थ्री जून के करीब आपका वर्क डन आ जाएगा तो इसमें हमने क्या किया

बोर्ड ऑफ थ्री मीटर इस बोर्ड का जो लंबाई है वो तीन मीटर के करीब एंड इट वेड्रेड हंड्रेड के जी और बोर्ड का अपना वजन हंड्रेड के जी है और उसके साथ बैठ गया तो यहां पे जो है जब ये यहां जाएगा ना इन ऑर्डर टू कीप सेंटर ऑफ मास जो बोट है वो पीछे रिकॉयल करेगा ठीक है तो ऐसा आप रिकॉलिंग बोट का जो है पूछा जा सकता है यहां से फिफ्टी फाइव के जी मैन वॉक्स अप टू द द द एंड बोट इज स्टिल सेंटर ऑफ ऑफ मास सिस्टम सिम्टज बाय तो यहां उड़ा दिया क्वेश्चन को खत्म देख लो बच्चे ये बोलता है आपको इस क्वेश्चन में बोलता है सेंटर ऑफ मास किससे शिफ्ट हुआ इफ द बोट इज इन स्टिल वॉटर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम जब वो पूछ रहा है ना तो यहां बच्चा रिकॉयलिंग की फार्मूला यूज करेगा और रिकॉयलिंग निकालेगा बोट की बट वो सेंटर ऑफ मास की पूछ रहा है सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिंस नो एक्सटर्नल सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग नहीं होगी नो शिफ्टिंग नो शिफ्टिंग क्योंकि वो आपके सिस्टम की शिफ्टिंग कर रहा है तो नो शिफ्टिंग शुड बी आंसर जीरो इज द राइट आंसर क्योंकि वो सिस्टम की बात कर रहा है बोट एज एज अ स्ट्रक्चर जो वो रिकॉयल कर सकता है शिफ्ट कर सकता है बट सेंटर ऑफ मास्क भी शिफ्ट नहीं कर सकता क्योंकि इस इसे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है कंसेप्चुअल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम हाइट ऑफ

जाएगा और यही तो है ये हो गया वी सपरेशन इट इज कल्ड एजॉस ऑफ सपरेशन वी ओ एस और ये था जब ये आ रहा था तो वी नॉट को कहेंगे यही तो कॉप्शन ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है approach, होना चाहिए, होना चाहिए, अब रूट ऑफ पॉइंट एट कोई नहीं है और आप जानते हैं जब भी आ, वन से जिन लवर नंबर का रूट दिया जाता है उससे ज्यादा होता Is .89 is the of this ये भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो पॉइंट एट नाइन आंसर वरना बच्चा बोलेगा अगर एट है तो ये कैसे आया क्योंकि right बादन दिस तो इसका मास जो है वो टू एम दिया गया है इसका मास एम है इसकी इनिशियल स्पीड वी है फिर क्या बोल रहा है इनिशियली बॉ वन मुजूर स्पीड बॉल टू विच इज एट रेस्ट तो इनिशियली जो है रेस्ट पे है तो

वट टाइप ऑफ क्ल्यूजन हैज आकर कौन सा टाइप ऑफ क्ल्यूजन जब आप टाइप ऑफ क्लूजन निकालना तो आपको क्वेश्चन टाइप रेस्टिट्यूशन पता होना चाहिए तरीका यह है क्योंकि क्लूजन बेस्ड क्वेश्चन है और लाफ ऑफ मोमेंटम वैलिड है इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल फाइनल इनिशियल मोमेंटम हो गया टू एम मटीप्लाइड बाई इीशियलियलियलियलियल वेलॉटी जीरो प्लस इसका मोमेंटम तो जीरो इनशियल रेस्ट है फाइनली जो है इसका इजीकॉक्ट इजीक्वल्ड बचे सॉरी इट इज इजीकॉल्ट फाइनल मोमेंटम हो गया टू एम मल्टीप्लाइड बाई इसका वैलॉसिटी जो है वो वी बाई थ्री है और फाइनल uh, मोमेंटम जो है इसका मास जो है आगे वाली बॉडी का मास एम है मालोज उसकी वेलोसिटी कुछ वी डैश आ गई तो अब आप यहाँ सॉल्व करो आप तो ये हो गया बच्चे पहली फुर्सत में आप एम एम जो है एम के साथ कर जाएगा तो टू वी में से टू वी में से माइनस करो आप टू वी बाई थ्री तो इज इक्वल टू वी डैश थ्री टू द सिक्स माइनस दिस तो वी डैश आ गया बराबर आपका फोर वी डैश आ, आ गया आपका फोर बाई तो ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी हमने निकाली बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फोर बाई वेलोसिटी अब आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी

फ्लोर पर छोड़ दिया तो ऊपर जाएगा फिर नीचे ऐसे, ऐसे, ऐसे तो बोलता है किस टाइम तक रिबाउंड करता रहेगा अगर दिया जोमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज बनती है और एक क्लासरूम प्रोग्राम में आपने पढ़ा होना चाहिए तो टोटल टाइम ऑफ फॉल जो है दैट इज टी नॉट वन प्लस ई डिवाइड बाई वन माइनस ई जो बच्चा अभी सोच रहा है कि स्टेज पे मैं ये जी पी डिराइव करूँ एंट्रेंस में तो वो फिर करता रह जाता है तो बेटर है ये फार्मूला आपको जबान याद होनी चाहिए वन प्लस ई डिवाइड बाई वन माइनस ई मैंने आपके लिए सारी लिख दी है तो इट इज़ रूट ऑफ टू एच हो गया फाइव फाइव मीटर से जी हो गया टेन ये हो गया वन प्लस वन बाई टू कोप्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन वन बाई टू है डिवाइड बाई वन माइनस वन बाई टू ये हो गया टेन टेन बाई टेन हो गया वन टी हो गया बराबर ये हो गया थ्री बाई टू By by two. Two -two निकल जाएगा थ्री सेकंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन तो ये एक जीपी बेस्ड क्वेश्चन है बट आई रिकमेंड यू आप इसका फॉर्मुला याद रखिए उसके बाद जो है अ ब्लॉक ऑफ ऑफ मास दिस दिस इज मूविंग विद स्पीड ऑन अ स्मूथ सरफेस इट स्ट्राइक्स अनदर मास दिस एंड देन दे मूव टुगेदर एज अ सिंगल बॉडी जब ये सिंगल uh, बॉडी तो ये परफेक्टली इन लास्ट क्लूजन है लॉस ऑफ एनर्जी तो आपको पता होना चाहिए लॉस ऑफ एनर्जी परफेक्टली इन लास्टन में हाफ ऑफ एम वन एम टू डिड बाई एम वन प्लस इंटू यू वन माइनस यू टू का होल स्कै यू शुड नो दैट यू वन माइनस यू टू का होल स्कैप यू शुड नो दैट दैट इन केस ऑफ परफेक्टली इन द लास्ट इंक्लूजन लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला ये है तो अब आप वैरू ड्रॉप करिए हाफ ऑफ एम वन मास है आपका 0.5 मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का मास जो है विद अ स्पीड अनदर इट स्ट्राइक्स अनदर दैट इज 1 डिवाइडेड बाय ये फिर से हो गया 0.5 प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय ये हो गया पहले का स्पीड जो है वो टू है इनिशियली दूसरा बॉडी जो है इट स्ट्राइक्स अनदर मास ऑफ दिस एंड दे मूव टुगेदर तो उसका रेस्ट है 0 का स्क्वायर जब आप सॉल्व करेंगे तो एनर्जी जो लॉस है एनर्जी जो लॉस आपका जो आएगा वो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा इट इज़ आई बिलीव 0.67 पॉइंट सिक्स सेवन जीरो पॉइंट सिक्स सेवन यहाँ आप मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करिए ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे ये मल्टीप्लाइड बाई फोर आंसर इज जीरो पॉइंट सिक्स सेवन झूल तो लॉस ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ परफेक्ट लास्टन इज कैलकुलेटेड लाइक दिस उसके बाद मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और रॉड ऑफ लेंथ एल तो आपके पास एक रॉड है जिसका कुछ लंबाई एल है जिसका कुछ लंबाई एल है हमें निकालना क्या है इट्स लीनियर मास डेंसिटी वेरीज लाइक दिस तो लीनियर मास डेंसिटी दिया है लीनियर मास डेंसिटी हो गया मास बाई लेंथ दिया है मास पर लेंगे तो आपको kx के बराबर दिया है तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो जब आपको पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो तरीका यह होता है वी टेक ए स्ट्रिप ऑफ इट हम बिलीव करते हैं कि इसका मास छोटा सा है इसकी विड्थ dx है और इसकी डिस्टेंस यहाँ से दूरी है तो x u m uh, चूंकि x एक्सिस पे लाइक कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास भी x एक्सिस पे लाइक करेगा द फार्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ इट इज h x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm अब आप वेरिएबल्स ड्रॉप करिए तो x तो x की जगह रहेगा dm इस छोटे से स्ट्रिप का मास हो गया लैम्डा dx डिवाइडेड डिवाइडेड बाय ये हो गया लेमडा इंटो लेमडा इंटो क्योंकि डीएम हो गया टोटल मास बाय टोटल लेंथ इंटू दैट लेंथ जो आप इन्वॉल्व कर रहे हैं तो लेमडा इंटू डी और कहां से कहां तक लेंथ इन्वॉल्व है जीरो टू एल जीरो टू एल तो ये हो गया आपका एक्स का फॉर्मूला आपने कंटिन्यूस बॉडी सिस्टम का पढ़ा होता है तो यहां पर आप लेमडा का वैल्यू ड्रॉप करेंगे तो यह हो गया लेमडा खुद के एक्स है तो यह आ जाएगा के एक्स डिवाइडेड बाय यह आ जाएगा नीचे भी के एक्स एंड देन फ्रॉम जीरो टू एल जीरो टू एल तो के बाहर आएगा इंटीग्रेट

is That find the torque about the origin when a force of this newton uh, on a particle whose position vector. so torque आप सबको पता होना चाहिए. It is r cross f. तो so, r आप देख लीजिए. आपका r जो है you know, position vector जो है उसका 2k cap cross करना है आपको f के साथ. That is 3j cap. तो so, ये आ जाएगा 3 2 is 6. It is k cross j. k cross j होना चाहिए minus i cap. आप uh, जानते हो ये. तो minus 6 i cap should be the torque and this should be the right answer option. फर्स्ट सो दिस कंप्लीट इंट्रेक्शन फॉर एंड आई बिलीव दैट आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि मैंने इसमें तकरीबन सारे किए जिनसे का रिविजन होता है। मच